हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में एक डेंजर बोर्ड फिर से बनाएंगे जो कि 11 KV का होगा, जो कि ये है। इसका थोड़ा डायमेंशन थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बोर्ड बनेगा 250 x 200 का, ठीक है। और यहाँ पे दो होल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सेम डाया का दो होल्स है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक रेक्टेंगल, इसको जल्दी से बना देते हैं। 250 x 200, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे और जो कि डायमेंशन होगा ये डेंजर दिखने के लिए 140 x 25, ये डिस्टेंस होगा 15। तो यहाँ पे 140 x 25 इसको मूव कर लेंगे सेंटर में, इसको मूव करके ऑक्टो ऑन करके 15, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे कि इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देंगे डेंजर, इसको सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। और ये उठ तो जाएगा 0.85, ज़्यादा हो जाएगा 0.9 0.95, ठीक है, वही है। और क्या है यहाँ पर 65 x 20 का लेटर है, 65 x 20, ठीक है। और ये कहाँ पे प्लेस है, यहाँ से 15 है, इसको हम मिडिल से थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे 15, ठीक है। यहाँ पे डिक्टी इलेवन KV, इसको हम सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और ये भी विड्थ हो जाएगा 0.9 कर देते हैं, हाँ सही है, ठीक है। थोड़ा बाहर निकला हुआ है, चलेगा। तो वही डायमेंशन के हिसाब से कॉपी यहाँ पे पेस्ट, इसको हम मूव कर लेंगे 15 और यहाँ पे लिख देंगे वोल्ट, ठीक है। इसका वोल्ट 0.6, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, हाँ सही है, हो गया। अभी वोल्ट्स हो गया। अभी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज के लिए 65 x 20, यहाँ पे 65 x 20, ये 100 x 35, तो ये जो भी है इसका लैंग्वेज, इसको सेम नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे लोकल लैंग्वेज के लिए, हाँ 100 x 35, 15 डिस्टेंस है, इसको मूव कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी इसको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है होल के लिए, जो कि 6 डाया होगा और अंदर चला जाएगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा अंदर,
ठीक है, और ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6-10 ले लेंगे टोटल। ठीक है, इसको मूव कर लेंगे मिरर। ठीक है, अभी फिलेट कर लेते हैं चारों तरफ। ठीक है, अभी डेंजर साइन का ज़रूरत है। डेंजर साइन हम एक डाउनलोड किए हैं यहाँ पर, जो कि ये है, पर ये स्केल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइज में नहीं है, तो हमको कितना साइज चाहिए यहाँ पर देखिए, 60x50। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो फाइल है इसको खींच के यहाँ पर हम फोटोशॉप में डाल देंगे। अभी इमेज का साइज देख लेंगे, इसको विड्थ हो जाएगा, ये mm में कर लेते हैं, mm में विड्थ हो जाएगा 60, हाइट हो जाएगा 50। ठीक है, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। अभी देखते हैं ये सेव हो गया कि नहीं। हाँ, इसको खींच कर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको हम मूव कर लेंगे यहाँ पर। इसको मूव कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना था, 60x50। ठीक है, तो इसका थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। क्या इसका डायमेंशन दे देते हैं, 0 करके यहाँ पे प्राइमरी 0 टेक्स्ट 5 दे देते हैं। लेंथ यहाँ पर 200। तो यहाँ हमारा डायमेंशन है, और इसमें रेक्टेंगल जो है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे बाद में। तो इसको हम सेव करते हैं। के भी जब ओके सेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।